हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे भी रहना भी चाहिए, सबको अच्छा रहना चाहिए। मैं इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि आप जो यूनिक कोड में बार बार कमेंट करके पूछते हैं कि भाई ये शब्द नहीं लिखा रहा है, कैसे लिखा है, ये चीज़ नहीं हो पा रहा है, उसमें कैसे होगा, तो मैं वीडियो में बना रहा हूँ यूनिक कोड में आप कैसे टाइपिंग करेंगे, कौन से शब्द कैसे लिखेंगे, कैसे क्या करेंगे, मतलब एक एक बारीकी चीज़ में यूनिक कोड के मैं बारे में बताऊंगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने वीडियो बनाया है, दो तीन वीडियो मैंने बनाया है, लेकिन कमेंट में यही आता है कि भाई आप यूनिक कोड में कैसे क्या ये चीज़ कैसे लिखते हैं, और जैसे क लिखना है, ख लिखना है, ग लिखना है, म लिखना है, वो सब आप कैसे लिखते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग, अगर आप लोग नहीं जानते तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जो आपको ये दिख रहा है, ये जो मैंने सब चीज़ ये लिखा हुआ है, तो मैंने यूनिक कोड से लिखा हूँ, ठीक है। तो मैं पूरा 100% में बताऊँगा कि आपको कैसे कैसे कौन कौन से शब्द कैसे लिखना है, ठीक है। जैसे कि मैंने ये भी चीज़ लिखा है, तो मैंने पूरा का पूरा, मैं अगर मोबाइल में पोस्टर बनाता हूँ तो आपको पता है कि यूनिक कोड ही एक ऐसा एप्लीकेशन है कि जिससे कोई भी मतलब फंड उसमें ले लेता है और आसानी से हम लिख सकते हैं। तो लेकिन बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई हमको क लिखने मतलब क नहीं आ रहा है लिखने के लिए। तो ये मान लीजिए जो ड्राइवर है, तो ड्राइवर में जो ड्रा है वो कैसे लिखाएगा, कैसे क्या होगा। तो अगर आपको अगर जानना है पूरा फुल उसके बारे में, यूनिक कोड के बारे में, तो इस वीडियो को पूरा फुल देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो सब्सक्राइब है इसको आपको दबा के सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, और साथ में एक बेल आइकन आएगा इसको आपको ऑन करके, एक जो ये ऊपर लिखा है ऑल, उस पर आपको ऑल करके आप नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, ठीक है दोस्तों। और आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ कि इस वीडियो को पूरा फुल दिखिएगा, जिसको यूनिक कोड की ज़रूरत है, ठीक है। अगर जिसको नहीं ज़रूरत है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको यूनिक कोड की ज़रूरत है वो इस वीडियो को पूरा फुल देखे, क्योंकि मैं आप लोग को पता है कि एक ही मैं वीडियो में बार बार अपलोड करूंगा कि क ऐसे लिखाएगा, क ऐसे ऐसे लिखते, बहुत लोगों को बुरा भी लगता होगा, ठीक है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता रहूंगा, लेकिन आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि इस वीडियो को पूरा फुल देखिएगा। तो चलिए मैं यूनिक कोड को ओपन करता हूँ। ये मेरा यूनिक कोड है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं कार देता हूँ, ठीक ना। तो जैसे कि आपको ये जो फंट लिखना है, जो ये आकृति देव मित्रा जो बोल्ड है, तो इसमें आपको क लिखना है, ठीक है। तो आप क कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसमें पूरा क नहीं रहता है, कोई भी शब्द पूरा नहीं रहता है, तो इसमें आधा आधा कट के रहता है, तो इसमें क्या करना है। तो क लिखने के लिए सबसे पहले आपको आधा व का जरूरत होता है, आधा व देखिए ये यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर वह लिखेंगे, फिर आ का मंत्रा देंगे, ठीक है। तो ये आ का मंत्रा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है, पूरा वह हो गया। अब वह के नीचे जो बकुला जो होता है, यानी जो टेढ़ा वाला जो रहता है पोंछ, तो उसको आपको ढूंढना है। तो आप ऊपर से लेकर नीचे तक आसानी से ढूंढ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ध्यान से ढूंढिएगा तो तुरंत मिल जाएगा। तो मैं इसमें आपको ढूंढ के मैं दिखाता हूँ किधर है, आपको बारीकी से थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत सारे अक्षर हैं। आपको नहीं मिला है तो ऊपर नीचे आपको सरका के देख लेना है कि कहाँ कहाँ है। तो कहाँ गया, ऐसे जैसे हम ढूंढ रहे हैं तो बहुत लोग ढूंढते होंगे, लेकिन परेशान हो जाते होंगे कि यार कहाँ गया, नहीं मिल रहा है, इसमें है नहीं, और उनसे ये काम नहीं हो पाता, फिर कमेंट में बोलते हैं कि भाई ये चीज़ नहीं आ रहा है। तो इसमें हर एक चीज़ है, बस थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है। देखिए दोस्तों, ये चीज़ यहाँ पे देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए क हो गया। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से कॉपी कर क्या सेट करके यहाँ से कॉपी कर लेना है, अपने पिक्सल लैब में जाना है। आपको एक बारीकी चीज़ मैं बताऊँगा, ठीक है, तो वीडियो को पूरा फुल देखिएगा। ये तो मैंने बनाया अभी, तो इसको काट देता हूँ मैं, फिर दोबारा से पिक्सल ऐप ओपन करता हूँ, यहाँ पे एडिट करके
यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है। ओके, अब ये देखिए जे ई ए है, तो यानी ये कोड है उसका। तो आपको जाना है फंट में, फंट में जाने के बाद तो उस एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना है, तो हो जाएगा। देखिए ये कॉल लिखा गया है, खुद देखिए ये कॉल लिखा गया आसानी से, कितना बढ़िया कॉल लिखा गया है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको ख लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको, तो ख लिखने के लिए सबसे पहले आपको आधा ख ढूंढना पड़ेगा कि आधा ख कहाँ है। तो मैं आपके सामने मैं ढूंढ रहा हूँ आधा ख। देखिए आधा ख मिल गया। देखिए यहाँ पे आधा ख है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, फिर आपको आक मंत्र देना है। ये आक मंत्र हो गया, ये हो गया ख। तो मैं यहाँ पे इसको आज सेलेक्ट करके कॉपी करके आपको मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पेस्ट कर दूंगा, देखिए ख हो गया। ठीक है, मान लीजिए ड्रा लिखना है, ड्राइवर लिखना है, तो द के नीचे जो रा होता है डबल वाला, तो वो कैसे लिखेंगे? देखिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको द ढ जो डलिया ड होता है, क्या है ड है, तो उसको आपको ढूंढ लेना है। देखिए ये हो गया, मैं पहले इसको काट देता हूँ। देखिए यहाँ पे ड हो गया, फिर नीचे र ढूंढना है, तो आपको ऊपर जाना है या फिर नीचे आपको स्क्रॉल करके आपको एक बार ढूंढ लेना है कहाँ पे। देखिए यहाँ पे है, ठीक है, इसको आपको दबा देना है। फिर आपको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके आज सेलेक्ट करके कॉपी करके फिर यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा फुल एक बार देख लीजिए। देख रहे हैं ये आधा ड्रॉ हो गया। अब मैं आपको ऐसे ही आपको मतलब बार बार मैं एक ही शब्द में आपको बताता हूँ कि देखिए अगर म लिखना है तो आधा म ढूंढना पड़ेगा, फिर आ का मंत्र ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे लिखाता है इसमें। ठीक है, जैसे कि आधा म हो गया, फिर ये आ का मंत्र हो गया। मैं शुरू से आपको दिखाता हूँ, देखिए आधा म हो गया यहाँ पे, फिर आपको आ का मंत्र ढूंढना है, तो यहाँ पे आ का मंत्र हो गया। ठीक है, अब जैसे त लिखना है तो त के लिए देखिए यहाँ पे आधा त है, फिर आपको आ का मंत्र जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो हो गया पूरा त। ठीक है, तो ऐसे आपको यूनिक कोड में आपको लिखते हैं, और यहाँ से कॉपी करके अपने जहाँ पर भी पेस्ट करना है आप वहाँ पर पेस्ट करके लिख सकते हैं आसानी से। यही चीज़ है, ज़्यादा चीज़ नहीं है, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। देखिए ऐसे सब लिखाएंगे, ठीक ना। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी बात समझ गए होंगे कि कैसे कैसे लिखना है। तो अगर आपको ऐसी वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो भी चीज़ आपको नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, हम आपके लिए वीडियो में ज़रूर लाऊँगा। ठीक है, 100% में लाऊँगा, और आपको मैं अपना नंबर दे देता हूँ, कोई भी दिक्कत आता है तो आप व्हाट्सएप पर चैटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा नंबर अगर आपको चाहिए तो आप, मैं बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हैं 9161683938। ठीक है, ये मेरा नंबर है, अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमको व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यार अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जाते जाते कर दीजिए।